गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट टुडे आई स्टार्ट ऑफ सेकेंड लेक्चर ऑफ सेकेंड चैप्टर रोमन न्यूमरल्स स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाई वन स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूमरल नंबर्स चेंज इन द हिंदी अरबिक नंबर रोमन न्यूमरल्स को हम लोग हिंदी अरबिक नंबर में किस किस लेटर से यूज करते हैं टोटल लैटिन अल्फाबेट मैंने बताया था ये टोटल लैटिन अल्फाबेट यूज फॉर द रोमन न्यूमरल्स आर सेवन आई बी एक्स एल सी डी एंड एन क्लियर देन आफ्टर सेकेंड लेक्चर इन दिस चैप्टर रोमन न्यूमरल्स ए क्वेश्चन पैटर्न इन द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक वन द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम विच आई कैन सब्ट्रैक्ट आर वी एंड डैश क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो इस ऑप्शन दिया है उसमें आप चूज करें कि भी और कौन सा नंबर से जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अपने गिवन नंबर्स के लेफ्ट साइड में यूज किया जाता है आई एक्स एल एंड सी तो इस बेस पे आप देखते हैं तो नंबर्स जो है वो है आपका एक्स यानी क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा एक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस इसमें मीनिंगलेस आपका कौन सा है आप इसमें बताएंगे मीनिंगलेस आप इसे यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ए एक्स आई बी बी एक्स आई एक्स सी आई एक्स वी आई एंड डी डबल एक्स वी आई आप इसमें बताएंगे जो मीनिंग लेस कौन है तो आप जानते हैं कि एक्स फॉर टेन यस एंड आई वी फॉर फोर तो टेन प्लस 4, 14, 10 IX, 10, 9, 19. These words will be meaningless. इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. And this is 26. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? C. Next question. Question 3. 99 is the सेम एज 99 का रोमन वर्ड क्या होगा रोमन न्यूमरल्स क्या होगा तो 99 एंड 100 से हम 1 माइनस करते हैं तो 99 होता है हिंदी अरबी में बट रोमन न्यूमरल्स में आप जानते हैं कि 1 माइनस का कोई रूल्स नहीं है जब भी माइनस होता है तो एक्स माइनस होता है तो आप पहले 100 से x माइनस करेंगे यानी 100 फॉर c c से x माइनस करेंगे तो 90 और इसमें 9 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 99 ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 In the Roman system, the symbols for zero is. आप इसमें चूज कीजिए कि किस कौन सा सिंबल जो है जीरो को इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 22 इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स 22 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 22 चेंज इन रोमन न्यूमरल्स डबल एक्स टेन प्लस टेन ट्वेंटी
एंड टू। 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, यानी गलत है। वी एल एंड डी आर नेवर सब्जेक्ट करेक्ट। वी एल एंड डी जो होता है सब्जेक्ट नहीं होता है। आई कैन बी सब्जेक्ट फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली वंस, यस यह करेक्ट। एक्स कैन नॉट बी सब्जेक्ट फ्रॉम एल, यह करता गलत है। एक्स जो होता है एल से सब्जेक्ट नहीं होता, होता है तब तो हम लोग एक से लिखते हैं तो 40 यानी 50 माइनस 10 या 100 माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इसमें आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। जैसे 50, क्या ट्रिपल भी हम यूज करते हैं? नहीं, यानी बी और एक्स सब्ट्रैक्ट तो हमेशा वन टाइम्स यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आपका क्या है? 19, यानी बी नंबर। द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 89 का रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। का रोमन न्यूमरल्स यानी हम लोग 3 टाइम्स x को रिपीट कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं रिपीट करते। तो n फॉर 50, 10 प्लस 10 प्लस 10 18 एंड प्लस 9 59, करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स आई एक्स प्लस ट्रिपल एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स आई एक्स प्लस ट्रिपल एक्स इक्वल टू व्हाट। आप इसे चेंज करेंगे हिंदी आदेश में, एक्स आई एक्स यानी 10 प्लस 9, 19 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 30। आप इसे लिखेंगे तो क्या होगा? 49। और 49 का रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? तो एक्स एल 40 एंड 9 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एज फॉर सेम क्वेश्चन एडिशन आई एक्स प्लस एक्स बी प्लस डबल एक्स। आई एक्स फॉर 9, एक्स बी फॉर 15 एंड डबल एक्स प्लस 20। इस तीनों को प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स एल माइनस डैश इक्वल टू डबल एक्स आई एक्स। एक्स एल फॉर 40, 40 से क्या माइनस करेंगे? 29 आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सएल माइनस व्हाट इक्वल टू डबल एक्स आई एक्स। यहाँ पे क्या है एक्सएल, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्सएल फॉर 40 माइनस व्हाट इक्वल टू 29। तो क्या करेंगे? 40 से हम 29 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 10 से 9 गया 1, 3 से 2 गया 1 यानी 11। तो यहाँ पे आपका बॉक्स में क्या होगा? 11 यानी एक्स। नोट करेंगे।
टुडे स्टार्ट्स द नेक्स्ट सेशन बाय सेकंड क्वेश्चन बाय सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन क्वेश्चन बाय सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। हिंदी वर्ब दिया है, रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है। जहां पे ब्लैंक है वहां पे आपको फिल अप करना है। जहाँ पे हिंदी अरबिक है उसके नीचे रोमन न्यूमरल्स यूज करना है। जहाँ पे रोमन न्यूमरल्स है उसके ऊपर आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल यूज करना है। तो फर्स्ट में आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या है 40। तो 40 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे 50 माइनस 10 तो 50 एल से इंडिकेट होता है और 10 एक्स से तो एल से एक्स माइनस करेंगे तो 40 होगा यानी एक्स क्लियर 40 XL यानी 40 प्लस 9 49 68 को क्या होगा 68 यानी 50 प्लस 10 यानी L X 60 प्लस 8 68 XC यानी 100 से 10 माइनस है 90 97 मींस 90 प्लस 7 X C 7 L double X यानी 70 plus 99 88 L triple X V triple I question number first completed question number second also completed compare with greater more than less than and equal 58 plus 28 is equal to box then after L triple X I B L triple X I B तो अब आप देखेंगे 58 plus 28 आप प्लस करेंगे 8 प्लस 8 16 कॉमन 1 7 प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस 1 यानी 86। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80 प्लस हो गया यानी 84। अब आप देखेंगे व्हिच इज ग्रेटर 86 एंड 84 यस 86 इज ग्रेटर देन यू विल द ग्रेटर साइड क्लियर यस एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड फिल इन ब्लैंक्स देयर आर डैश सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था देयर आर टोटल 7 नंबर इन सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स। टोटल रोमन न्यूमरल्स में कितने सिंबल्स होते हैं 7 सिंबल होते हैं। सिंबल डैश एंड डैश कैन बी बोथ ऐड एंड सबट्रैक्ट V and X can be
both add and subtract. Symbol dash and dash are neither repeat nor added for the subtract. क्वेश्चन नंबर थ्री आपको फिलअप करना है. क्वेश्चन नंबर फोर ऑल्सो फिलअप. मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर एंड फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर एंड फर्स्ट क्वेश्चन. सिक्स इंटू सेवन इन रोमन न्यूमरल्स व्हाट. सिक्स इंटू सेवन 42. 42 यानी एक्स एल डबल आई. क्लियर. क्वेश्चन नंबर फाइव. परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स. ये जो आपको ऑलरेडी सिंबल दिया हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का, यहाँ पे आप यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर भी आप रोमन न्यूमरल में यूज करेंगे. इस पर मैं एक आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट. एल ट्रिपल एक्स. एल ट्रिपल एक्स डिवाइडेड बाई वी ट्रिपल आई. एक्स ट्रिपल एक्स मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 8. आंसर हो गया 10. मीन्स इसका न्यूमरल फॉर्म क्या हो गया एक्स. क्लियर कंप्लीट. तो आज का आपका होमवर्क, आज का आपका होमवर्क हुआ ट्यूशन बैग 1 and 2 कंप्लीट. क्लियर. चलिए नोट. Thank you.